तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलनीस्वामी द्वारा विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया जारी। पनीरसेल्वम ने विधायकों से विश्वास मत के खिलाफ वोट देने की अपील की। चुनाव आयोग ने शशिकला के AIDMK की महासचिव बनने पर नोटिस किया जारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कल तीसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर। रविवार को 69 सीटों पर होने वाले मतदान में 826 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज इंदौर में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई देशों की संसद के अध्यक्षों की शिखर बैठक का उद्घाटन किया। भारत के अलावा 6 देशों की संसद के अध्यक्ष कौ विकास लक्ष्यों को हासिल करने पर चर्चा करेंगे। उदयपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक शुरू। बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री भी कर रहे हैं शिरकत। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का प्रमाण देना होगा या आधार कार्ड बनवाना होगा। यह शर्त जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं है। 6500 शब्दों के पोस्ट में फेसबुक CEO मार्क जकरबर्ग ने दुनिया के सामने अपने ग्लोबल मिशन को साझा किया। इस पोस्ट में जकरबर्ग ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों से जुड़ने की बात कही। भारतीय राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण NRAI को टीका नियमन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिकतम रेटिंग दी है। बम्बई उच्चतम न्यायालय ने यूट्यूब को गुप्त तरीके से रिकॉर्ड की गई अदालत की कार्रवाई को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अदालत ने वीडियो शेयर करने वाली वेबसाइट और सर्च इंजन गूगल को भी नोटिस जारी किया है और अवमानना की कार्रवाई पर 24 मार्च तक संबंध पक्षों से जवाब देने को कहा है। बिहार के बाहुबली राजनेता शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार की सिवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल लाया जा रहा है। बिहार से तिहाड़ तक की शहाबुद्दीन की यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी को अब मिलेगा कानूनी दर्जा। 69 साल और लंबे टालमटोल के बाद हिंदू मैरिज बिल नेशनल असेंबली में पास हो गया। इस बिल के पास हो जाने के बाद पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मलेशिया ने कहा है कि पियोंगयांग के अनुरोध के बावजूद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के सौतेले भाई का शव तब तक नहीं सौंपा जाएगा जब तक कि उनके परिवार वाले DNA का नमूना मुहैया नहीं करा देते। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई की सोमवार को हत्या कर दी गई थी। रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ताजा जारी विश्व रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 5वीं रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। सिंधु ने अपनी रैंकिंग में एक स्थान का सुधार किया है। भारत ने इस साल इंग्लैंड में होने वाली ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कोलंबो में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर ICC महिला विश्व कप क्वालिफायर के सुपर सिक्स में लगातार दूसरी जीत हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कामकाज को देखने के लिए बनाई गई प्रशासक समिति यानी COA की दिल्ली में कल बैठक हुई। COA जल्द ही पूरे BCCI में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने को लेकर उच्चतम न्यायालय में अपनी स्थिति रिपोर्ट सौंपेगा। 2017 की इंडियन प्रीमियर लीग के लिए 20 फरवरी को बेंगलुरु में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इस नीलामी में कुल 351 खिलाड़ियों की बोली लगेगी जिसमें 122 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होंगे। इस लिस्ट में भारत के 23 क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हैं।